हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू अंशु एंड सिटी व्लॉग। और ये देखिए, मैं नहा भी ली, मैंने पूजा माई भी कर, ठीक है, मैंने पूजा माई भी कर लिया है। ये मेरे साईं बाबा जी, ये मेरी करवा चौथ मैया, ये ऑल्स भगवान, ठीक है। तो मैंने नहा भी ली और ये देखिए कार्टून देखते हुए अक्षु, ये देखिए इसका बाबू छोटा सा, और ये इसका बिस्तर बना दिया है इसने। ये बोलते हैं कि ये इसका बेड है, तो ये इसको उसके अंदर लिटाल देती है। और अभी ये किसी की नहीं सुनेगी। अक्षु, अक्षु हेलो बोलिए बेटा। अक्षु पहले हेलो बोलो। हेलो। कैसे हो? कैसे हो? मैं अक्षु रानी हूँ। अक्षु रानी हूँ। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज प्लीज लाइक लाइक कमेंट कमेंट एंड एंड सब्सक्राइब। कई पाइच ऐसे बोल दे कलो बाबू लुल्लोज। ओ हो, चालू करना भी सीख गई। तो मैंने आपको अक्षु से भी मिलवा दिया है और घर पर कोई भी नहीं है। सॉरी दिल्ली का ही नाम आता है, फरीदाबाद गए हुए हैं, तो वो आज वापस आ जाएंगे। आज डेट है, कल 30 थी ना, हाँ आज 31 तारीख है और सिटी आज वापस आ जाएंगे, अभी आए नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा खाना वाना खाकर फिर मैं अपना सूट सिल लूँ आज, जो मैं सिल नहीं पाई। मैंने आपको बोला था कि मैं इस सूट को सिलूंगी, बट मैं सिल नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत सारा काम रहता है। तो अब मैं इसको सिलने वाली हूँ, अगर मन किया तो। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद फिर मैं सूट सिलूंगी। और मैंने आज बनाई है गोभी आलू की सब्जी, यम्मी यम्मी गोभी आलू की सब्जी, यम्मी यम्मी। ये देखिए फ्रेंड, मैं अपना खाना लेकर आ गई हूँ, यम्मी यम्मी सा। ये देखिए मैंने ली है एक रोटी, एक पराठा। हाँ, पराठा खाएगी अक्षु? पराठा खाएगी? अभी मैं अपने अक्षु के लिए पराठा लेकर आऊंगी, ये तीखा हो गया है। तो ये मैंने एक लिया रोटी, एक लिया है मैंने पराठा, और मैंने लिए गोभी आलू की सब्जी जो मैंने जस्ट अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले ही। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। और इस पर मैंने डाली है ये देखिए गोभी आलू और शिमला मिर्च। तो ये इसकी सब्जी है और ये बहुत ही ऑयली है और बहुत ही तीखी है, मज़ा आ जाएगा खाकर। आप लोग देख रहे हो तो आपको भी बहुत पानी आ रहा होगा, मुझे मालूम है क्योंकि ये बहुत टेस्टी है और इसकी खुशबू मैं फ्रेंड बता नहीं सकती, सच्ची में बहुत अच्छी आ रही है, सच्ची बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। गोभी आलू मुझे बहुत 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 पसंद है। आप लोग भी मेरे घर पर आओगे ना तो मैं अपने हाथ का गोभी आलू बनाकर खिलाऊंगी, आप चेक करके बताना, टेस्ट कर बताना कि कैसा लगेगा, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और बोलनी थी, हाँ कल की जो मतलब कि ऐसा था ना कि मैं कल सुबह स्वीटी से किसी बात पर गुस्सा थी, तो मैं गुस्सा होती हूँ तो वो ऐसे भी मुझे मनाने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्लॉग इसलिए शूट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ब्लॉग शूट करवाती, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गुस्सा आती और मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, तो वो मुझे मनाने के लिए, मुझे हंसाने के लिए, मतलब मैं हंसी स्माइल कर दूँ, इसलिए वो छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश करते कि कैसे भी मैं हंस दूँ, बट मैं हंसी नहीं थी क्योंकि मेरे को हंसी ना बहुत 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 ज़्यादा आती है, लेकिन मैं हंसी नहीं थी क्योंकि अगर मैं हंस देती तो फिर वो उनको लगता है कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। और मैं उनको थोड़ा सा ना ये चाहती है कि वो मेरे मतलब नक्शे उठाएं और मुझे मनाएं, मुझे बहुत सारा सॉरी बोलें और बहुत सारा प्यार करें मुझे, फिर जब मैं मनती हूँ ना तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है। तो इसलिए मैं मतलब कि वो स्वीटी इसलिए व्लॉग शूट कर रहे थे क्योंकि मैं मन जाऊँ और मैं हंस दूँ कैसे भी करके, लेकिन मैं हंसी नहीं थी। वैसे तो इतना हंसी आता है ना मेरे को, इतनी हंसी आती है कि शायद ही मुझे लगता है कि किसी को आती होगी, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती रहती है। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, गोभी आलू की खुशबू उड़ी है ना इसलिए माउथ फुल हो जाता है, माउथ बटरिंग वाला ऐसा हो रहा है कुछ। तो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर खाना खा कर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड मैंने खाना खा लिया है और मैंने किचन में बर्तन भी रख दिए हैं खाकर। और ये देखिए, ये वाली टी शर्ट ना स्वीटी लेकर आए थे मेरे लिए, ये मतलब टी शर्ट ना क्या कहते हैं मतलब टी शर्ट खाली पहनने के लिए है, लेकिन मैंने इसको सूट के ऊपर पहन लिया है, सूट के ऊपर पहन लिया है। और ये देखिए इसकी वाइट बाजू है, ये देखिए मेरा टीका भी इस पर लग गया है, देख सकते हैं आप, टीका लग गया है इस पर, थोड़ा सा वाइट है ना इसलिए दिख भी रहा है। और इस पर एप्पल बना हुआ है, आगे भी एप्पल बना हुआ है और पीछे तो इतने सारे एप्पल्स हैं, इतने सारे एप्पल्स हैं, सारी एप्पल्स ही एप्पल्स है, ये दिख रहा होगा शायद आपको थोड़ा सा, ये पीछे एप्पल्स ही एप्पल्स बन रहे हैं, बहुत सारे एप्पल्स। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने मशीन ऊपर ही रख ली है बेड पे क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी हो रही है,
और ये वाले सूट की बात करी थी, ये देख लीजिए आप, ये अभी तक सिला नहीं है मेरा, तो मैं इसको सिलने वाली हूँ। अक्षु बेबी खा रही है अपना पराठा रोल बनाकर, क्योंकि बच्चे को ऐसे अपने हाथ से खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए अक्षु बेबी खा रही है अपना पराठा यम्मी यम्मी करके, अक्षु बेबी। और ये वाला सूट मैं सिलने वाली हूँ। सिटी का कॉल, और सिटी से मेरी बात हुई, मैंने सिटी से पूछा निकल गई, तो वो बोलने लगी हाँ मैं तो कब का हूँ, मैं तो ट्रेवल कर रहा हूँ। मैंने कहा तो ओ, फिर मुझे बहुत खुशी हुई। अब सिटी अभी बज रहे 12 और सिटी मेरे आ जाएंगे 12 बज रहे हैं समथिंग, आ जाएंगे 3-4 बजे तक, है ना, तब घर हरा भरा हो जाएगा मेरा। जब तक तो मम्मी भी आ जाएंगी, दक्ष भी आ जाएगा, और मेरी अक्षु अभी मेरा ही फीड करती है, और ये मेरे ऊपर ही डिपेंडेड है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा स्वेलो भी ना करूँ, या मैं कम से कम स्वेलो करूँ, और कम से कम मिट्टी पे ध्यान दूँ, पर क्या करूँ, तो मैं कम ही करती हूँ। और ये देखिए रखा है हप्पा, ये देखिए, लेकिन मैं ना कभी भी अक्षु के सामने ओपन नहीं खाती, और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है खुद के अंदर कि मैं कभी ओपन नहीं खाती, क्योंकि ऐसे अगर मैं खाऊंगी ना इसके सामने तो इसको आदत पड़ेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की आदत ख़राब हो। जैसे ये मेरी साइड नहीं देख रही होंगे, और अपने जैसे ये लगी रहती है फ़ोन में, ये हर समय मेरे से नहीं चिपकती रहती है, और जब मूड में होगी तो पूरी मेरे से चिपकने लग जाएगी, तो मैं इसके सामने बाइट कभी नहीं लेती। जैसे ये अपने फ़ोन में लगी हुई है, और मैं अभी खा सकती हूँ आराम से, फ़ोन में लगी पड़ी है, तो मैं अपना सूट सिलते सिलते खा लूँगी। मुझे अभी डोरा चेंज करना है, जैसे कि ये पिंक है तो मुझे पिंक वाला ही डालना पड़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर भी डालना पड़ेगा, और वो सिटल होती है जो, उसके अंदर भी डालना पड़ेगा। तो मैं ये डाल लेती हूँ, फिर मैं अपना सूट सिलती हूँ। ये देखिए मेरा ना ये टीका लग गया इस पर, मैंने ऐसे करके करा इसको, तो वो लग गया थोड़ा सा। तो ये देखिए मेरे एप्पल, ये ना मेरा मतलब कि मेरे लिए ना स्वीटी को सामान लेकर आए, जींस विंस लेकर आए, उसके साथ के लिए लेकर आए। कौन है, आ जाओ निखिल अंदर, खुल रही है, निखिल आया, मैं निखिल दिखाती हूँ आपको। ज्यादा ही लिए होंगे, है ना, खुली करा ली मैंने। अच्छा खुली करा ली, दरवाजा बंद कर जाना निखिल। तो ये देखिए निखिल देकर गए हैं रसीद, मतलब कि वो पार्सल छोड़कर आए हैं, क्योंकि स्वीटी ने पैक करवा के रखवा दिए थे मेरे साथ सारे पार्सल, और कहा था कि निखिल को बोल दियो कि निखिल छोड़ आएगा, तो निखिल छोड़कर आए पार्सल, और ये उनकी रसीद है, तो वो देकर गए हैं मुझे, ठीक है। तो मैं फ्रेंड अपने सूट सिल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड मेरी सलवार कंप्लीट हो गई है, मैंने पूरी सलवार कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी प्लेट्स आई हैं इसकी सारी की सारी, ये देखिए ये आगे की, ये सॉरी ये पीछे की साइड का है, इसमें पीछे मैं बस दो ही दो प्लेट डालती हूँ, जैसे कि मैंने ये दो प्लेट इधर डाली है, दो प्लेट इधर डाली हैं, ये दो प्लेट इधर हैं, और ये दो प्लेट इधर हैं। मैं पीछे सिर्फ दो ही प्लेट डालती हूँ, और बाकी की मैंने आगे की सारी प्लेट डाली हैं। बहुत से पीछे ज़्यादा प्लेट डालते हैं, बट मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं सिर्फ दो ही दो डालती हूँ हमेशा। और ये देखिए आगे की कितनी सारी प्लेट्स आई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कपड़ा था, तो मैंने अच्छे से ले लिया है। और ये देखिए इसकी मोहरी, देखिए डिज़ाइन दिख रहा होगा शायद आपको, क्योंकि कलर सेम हो जाता है ना, तो फिर डिज़ाइन बहुत कम दिखता है। ये देखिए एकदम मस्त टाइप। तो ये भी रेडी हो गया है, पूरा सलवार रेडी हो गई है, सूट रह गया है, तो सूट मैं कल रेडी करूँगी, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, अभी बच रहे हैं, ये देखिए 5:30 बजने वाले हैं, 5:22 हो रही हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मम्मी भी चाय के लिए बोल रही हैं, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और फिर कल बाकी का सिलूँगी, ठीक है फ्रेंड। और मैं चल पहले बैक फ्रंट कैमरा कर लेती हूँ, थोड़ा सा आपसे कुछ बात भी करनी है। तो बस सलवार कंप्लीट हो गई है, सूट कंप्लीट करना बाकी है, तो सूट अब मैं कल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, तो अब करना बेकार रहेगा, क्योंकि चाय भी बनानी है, तो चलते हैं चाय बनाने, चाय बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। स्वीटी बेबी घर आ गए, स्वीटी हेलो, क्या लेकर आए हो मेरे लिए, पेटीज है ना और कुछ नहीं, चॉकलेट लाल लल्ली ने ले ली, दोनों को दे दी और दिए,
टिफिन है, लड्डू है, इसमें से मठरी मठरी मेरी हो गई। ओके, ये मम्मी पापा का जोड़ा, साड़ी, वेरी गुड। और ये खर्रा ऐसी भी हटो, सही है मम्मी के लिए साड़ी, नॉर्मली तो घर में भी पहनेंगी तो भी अच्छी लगेगी, बाकी उनकी चॉइस है। ये पापा के लिए कपड़े आए हैं, ये मम्मी के लिए कपड़े आए हैं, और ये मतलब कि रथ जगे का है, रथ जगे का, और ये लड्डू और मठरी आई हैं, और ये स्वीटी बेबी मेरे लिए लेकर आए हैं पेटिस, और बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर आए थे, चॉकलेट्स दे दी हैं। तो हम चलते हैं चाय बनाने, अभी चाय भी नहीं बनी मेरी। ये देखिए फ्रेंड, चाय रेडी होने लगी है, अभी मैंने बनाने जस्ट रखी है, और आंटी दूध देकर चली गई है, तो दूध बॉईल करना है अभी। दोनों गैस पर सब कुछ, मतलब कि दोनों गैस गिरी हुई हैं। इस पे गोभी आलू की सब्जी रखी हुई है जो मैंने दोपहर में बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि ये दोपहर की सब्जी है, और कढ़ी भी बनाई थी, कढ़ी मम्मी बनाकर गई थी, तो कढ़ी भी रखी है। ये देखिए अब तक तो फिनिश होने को आ गई, तो ये कढ़ी है दोपहर की, सुबह की सॉरी, और दोपहर की गोभी आलू है, तो ये दो दो सब्जी हैं। अब नाइट का खाने में कुछ नहीं बनने वाला, बस रोटियां बनेंगी, ठीक है, और ये मेरी चाय बन रही है, जल्दी से चाय बन जाए फिर पेटिस के साथ खाएंगे, नहीं चाय पेटिस के साथ पियेंगे। कितनी मिस्टेक करती हूँ ना, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी प्यारी फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे विदाउट फेस, लेकिन फेस के साथ भी जल्दी मिलेगी, सोच रहे हैं कुछ बड़ा, जैसे ही हो जाएगा ना फाइनल, तो दिखाना ही दिखाना है। ये देखिए फ्रेंड, स्वीट ने अपनी आधी पेटिस खाना भी स्टार्ट कर दिया। आधी दक्ष ले गया, अच्छा आधी दक्ष ले गया है, आ जाइए फ्रेंड खा लीजिए, बाद में मत कहना कि बुलाया नहीं। गरम गरम चाय, गरम गरम पेटिस, ठंडी ठंडी मठरी, यम्मी। स्वीट इसको क्या कहते हैं, मठरी बोला, यहाँ पर बोलते हैं मठरी, और आगरा में बोलते हैं मछली।